हाय गाइज, दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्टिव इंडिया। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आपने पहला न्यूमेरिकल और उसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख लीजिए। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर उसको आप देख लेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। अ मेंबर एल एम एन पी इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट पी नेसेसरी फॉर द इक्विलिब्रियम टोटल इलांगेशन ऑफ द बार और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 210 गीगापास्कल दी गई है। ठीक है, तो कहा गया है कि पी नेसेसरी, हमें इस पी फोर्स को फाइंड करिए जब ये पूरा जो है बॉडी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये पूरा मेंबर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कब लगाते हैं, जब आपका पूरा मेंबर क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये कह दे रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है तब ये फोर्स पी फाइंड करिए। आ रही बात समझ में? तो पहला मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूं पी को। तो कैसे ये फाइंड होगा, मैं निकालूंगा नेट फोर्स ऑन द मेंबर। नेट फोर्स ऑन द मेंबर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन द मेंबर मेंबर ये होना चाहिए आपका जीरो, है कि नहीं। तो मैं लिखता हूं समेशन एफ एक्स, या एफ नेट भी लिख सकते हैं आप, एफ नेट। तो मैं एक्स डायरेक्शन में है तो इसलिए एफ नेट क्या होना चाहिए, एफ एक्स जो है जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूं यहां पे क्या है, 50 है। तो ये डायरेक्शन में है तो 50 क्या लिखेंगे, माइनस का। भाई इस डायरेक्शन में क्या होते हैं फोर्सेज, माइनस का लिखते हैं हम लोग। इस डायरेक्शन में ये प्लस का पी होगा, होगा कि नहीं, पी पी। फिर ये 500 है, 500 जो है इधर ही डायरेक्शन में है तो माइनस का 500। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका 200 इधर का है तो पॉजिटिव होगा। भाई पी और 200 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई पूरा मेंबर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तब आपको पी बताना है। ठीक है, तो देखिए तो पी इक्वल टू आ जाएगा आपका सीधे सीधे, ये हो जाएगा 550 में से 200 जाएगा, 200 जाएगा तो क्या होगा आपका, माइनस का बचेगा कितना, 350, तो 350 इधर जाएगा तो 350 प्लस का होगा, 350 किलो न्यूटन। और किलो न्यूटन का के जो है स्मॉल रहेगा, कैपिटल मत लिखिएगा, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा स्टेप पे फॉलो करने जा रहे हैं। अब पी की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, पी की वैल्यू जो है आपको पता चल गई यहाँ पे 350 न्यूटन है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप होगा कि टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। टोटल इलोंगेशन ऑफ बार क्या होगा कि हम जो है क्या करें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कहते हैं कि हर एक मेंबर का क्या करना होगा, आपको FBD बनाना होगा, और उस पे जो है जो जो फोर्स लग रहा है हर एक मेंबर पे, उस पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम दिखा दें, और फिर जो हम क्या करें, ईच लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 जो आ रहा है उसको हम क्या करें, कैलकुलेट कर लें और उसको ऐड कर दें एलजेब्रिकली। यही तो कहा गया है, यही तो थ्योरम है कि एलजेब्रिकली सारे डिफॉर्मेशन जो भी ईच लोड की वजह से जो मेंबर में डिफॉर्मेशन आ रहा है, ईच सेक्शन में आ रहा है, उसको आप क्या करिए, सिंपल सा ऐड कर दीजिए। कौन सा एडिशन, एलजेब्रिकली ऐड करिए। अगर मान लीजिए शॉर्टेशन हो रहा है तो माइनस का लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं, मैं बीडी बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखिए ये होगा 1, इसको हम 2 नंबर डाल देते हैं, दिस इज 2 दिस इज 3। आ रही बात समझ में? इसको चाहे तो आप डॉटेड डॉटेड कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें अलग बनाने में आसानी हो। तो देखिए मैं पहले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ FBD। तो देखिए पहला मेंबर, दिस इज फर्स्ट मेंबर। आपको सोचना नहीं है, जब ये 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर बना दीजिए और फिर जो है भूल जाइए। आर्य बात समझ में? इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरे मेंबर पे आइए, यहाँ से उठाइए, सीधे ला के यहाँ पर रख दीजिए। आर्य बात समझ में? सीधे यहाँ पर लाइए और यहाँ पर रख दीजिए, जैसा है एज इट इज रख दीजिए। आर्य बात समझ में? जैसा है एज इट इज वहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना लग रहा है भाई, ये लग रहा है 350 किलो न्यूटन। आ रही बात समझ में? इधर की तरफ लग रहा है आपका 500 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद से तीसरा जो है मैं ऊपर बना देता हूँ या यहाँ पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे बना देता हूँ, ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे 200 किलो न्यूटन। आ रही बात समझ में? देखिए तो आपके सारे तीनों मेंबर का हमने क्या कर दिया, तीनों मेंबर को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तीनों मेंबर को सेपरेट कर दिया। अब ये हम क्या कर रहे हैं, FBD बना रहे हैं, FBDs, FBDs फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है,
वन का, तो भाई पूरा मेंबर इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या करना होगा भाई, 50 किलो न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, तो हम सिंपल सा क्या करें, इधर की तरफ 50 किलो न्यूटन लगा दें कि नहीं 50 किलो न्यूटन का, तो ये क्या हो गया, अब इक्विलिब्रियम में हो गया कि नहीं हो गया भाई, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं, तो इनका नेट इफेक्ट क्या होगा इस पर, जीरो, तो अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब देखते हैं हम जितना फोर्स इस पर लगा है 50 किलो न्यूटन का, उतना ही आप क्या करिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर रिएक्शन दे दीजिए, यहाँ पे आ रही बात समझ में, कितना देंगे इधर की तरफ भाई, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट, देख रहे हो कितना लग रहा है, आप चाहो तो यहाँ कहीं ऊपर नीचे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, ये समझने के लिए है, बाकी एक्सियल फोर्स ही लगेगा, ठीक है। मान लो 50 ये है, तो 50 की डायरेक्शन इधर है, तो इस पे रिएक्शन क्या आएगा, इधर की तरफ डायरेक्शन आएगा, आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का इधर की तरफ आ गया, आई बात समझ में। अब देखो ये 200 किलो न्यूटन है, तो 200 किलो न्यूटन है, तो आपका इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो देखिए इसके अपोजिट में फोर्स ऐसे ही तो लगेगा 200 किलो न्यूटन, है कि नहीं भाई, बताओ यही तो होगा इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए। अब देखो ये जो है फोर्स आपका इधर तरफ लग रहा है, तो हमें इस पे रिएक्शन किधर लाना पड़ेगा, आर्यवासन में इधर लगाना पड़ेगा, चाहे ऊपर लिख लीजिए चाहे यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने यहाँ पे दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइन एक लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो अच्छी बात है, बाकी आप दिखाने के लिए कहीं भी दिखाइए, आपको आना चाहिए। तो 200 है, तो मैं क्या करूँगा 200 किलो न्यूटन का इधर तरफ दिखाऊंगा, क्यों भाई दिखाया है बताओ, क्यों दिखाया है 200 किलो न्यूटन इधर की तरफ क्यों दिखाया है, क्योंकि ये इसका रिएक्शन वैसे जैसे ये इधर लगा, तो इसके उल्टा मैंने यहाँ पे लगा दिया इस फेस पे, तो जब ये 200 ये इक्विलिब्रियम में आ गया, देखो एक दूसरे का नेट इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे जीरो, तो अब मैं क्या करूँगा इस पे लगाऊंगा भाई, इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा इस पे, इसके अपोजिट रिएक्शन ये देगा, तो रिएक्शन इसका आएगा 200 किलो न्यूटन, तो ये अपोजिट में मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं इधर से 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये भी तो 5 किलो न्यूटन का लगा रहा होगा, तो वैसे ही ये 200 किलो न्यूटन का इधर लगा रहा है, तो ये भी तो लगा रहा हूँ 200 किलो न्यूटन का, वैसे ये 50 किलो न्यूटन का ये इस पे लगा रहा है, तो ये भी तो लगा रहा हूँ 50 किलो न्यूटन का, तो यही तो है बस, इतना सा है आपका, ठीक है। तो अब मैं इसका जो है नेट इफेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो देखो 50 का इधर माइनस का इधर है, प्लस का 350, तो कितना आ जाएगा इस पे 300 किलो न्यूटन का आएगा, प्लस का आया ना, तो प्लस का आया मतलब किधर जाएगा, ये इधर ही तो जाएगा, मतलब कि 350 किलो न्यूटन, आ रही बात समझ में, 300, ठीक है भाई, इसमें से 350 में से 50 घट जाएगा। अब देखो इधर की तरफ 500 में से 500 इधर जा रहा है और 200 इधर जा रहा है, मतलब माइनस का 500 प्लस का 200, तो आएगा माइनस का 300, तो माइनस का 300 किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो माइनस का 300 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आप डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस लिख रहे हैं, आई बात समझ में, तो कैसे लिखा, माइनस का 500 प्लस का 200, तो माइनस का माइनस इधर डायरेक्शन रहेगा, तो 300 न्यूटन लिख दिया, 300 किलो न्यूटन, आई बात समझ में। तो ये रहा हमारे दूसरे फिगर का, दूसरा फिगर है ये, दूसरा फिगर है, ठीक है, दूसरे सेक्शन का। तो अब हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, कि यही तो कहता है आप जो है डेल्टा एल टोटल निकालना चाहते हो, ये डेल्टा एल क्या है, टोटल इलांगेशन ऑफ बार है, मैं लिख देता हूँ टोटल, मैं बी हेडिंग डाल के बी, टोटल इलांगेशन ऑफ बार, आ रही बात समझ में। तो ये क्या होगा, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, यही होगा ना। अभी मैं दूसरा टेक्निक भी बताऊंगा, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो आपको मैं अभी दूसरा टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे उसको करेंगे, और तीसरा टेक्निक भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, ज्यादा ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसको भी बना दूंगा वीडियो उस पर भी, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एल इक्वल टू एल वन क्या होगा भाई बताओ, पी वन एल वन अपान ए वन, यहाँ पे एरिया सबका अलग अलग है और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम है, सबके लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम है, ठीक, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ऐसे ही P2 L2 अपान A2 E2 होगा भाई, यंग्स मॉडुलस सबके लिए क्या दिया गया है, सेम दिया गया है, P3 L3 अपान A3 E होगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा L इक्वल टू मैं 1 अपान E कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 1 अपान E कॉमन ले लिया, तो P1 L1 ठीक है
पी वन एल वन अपन ए वन, यहाँ से भी पी टू एल टू अपन ए टू, ठीक है। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, वैल्यू रखता हूँ, या चलिए मैं लिख देता हूँ पहले इसको, पी वन एल वन अपन ए वन प्लस पी टू एल टू अपन ए टू प्लस का पी थ्री एल थ्री एल थ्री अपन ए थ्री, ठीक है, अभी सही है, ठीक है। डेल्टा एल इक्वल टू वन अपान ई, ई की वैल्यू सारी चीजें हमें एमएम में दिया गया है, तो मैं इसको क्यों नहीं एमएम में चेंज कर लूं, ई को क्यों नहीं एमएम में चेंज कर लूं, तो भाई ई को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई इक्वल टू दिया है 210 गीगा पास्कल, तो 10^9 करेंगे तो न्यूटन पर एमएम मीटर स्क्वायर होगा या पास्कल होगा, सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा, तो भाई ई इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 210 गुणे 10 पे 3 और 10 पे 6, तो 10 पे 6 वाला मल्टीप्लाई में 10 पे 3 ऐसे लिख सकता हूं, और मैं 10 पे 6 पास्कल को लिख सकता हूं मेगा पास्कल, तो 210 गुणे 10 पे 3 मेगा पास्कल, है कि नहीं, यही तो बताया था भाई। अगर नहीं देखा है वीडियो तो पहली वीडियो हमारी देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड यूनिट ऑफ स्ट्रेस को, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं 210 गुणे 10 पे 3, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हो जाएगा, मेगा पास्कल को हम ये भी बोलते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसको मैंने प्रूफ किया था वहां पे, ठीक है, तो आप वहां पे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लाइन बाय लाइन एक एक बार देखेंगे ना तो सारी चीजें कोई भी दिक्कत होगी नहीं। अब पी वन की वैल्यू कितनी है भाई, ये इस पर कौन सा टेंसाइल होगा ना, तो टेंसाइल होगा तो 50 भाई, इसको किलो न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा, तो किलो न्यूटन सब में है, देखो सब में किलो न्यूटन है, तो मैं 10^3 लिख देता हूँ, आ रही बात समझ में, 10^3 यहां लिख देता हूं, बात समझ आ रही है। L1 की वैल्यू कितनी है, L1 देखो, L1 है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू देखो, ऊपर 600 mm स्क्वायर दिया है, 600 mm स्क्वायर, तो 600 mm स्क्वायर मैंने लिख दिया प्लस का। अब ये देखो दूसरा मेंबर आपका कैसे है, दूसरा मेंबर देखो, दूसरा मेंबर कंप्रेसिव है भाई, दोनों तरफ से दबाया जा रहा है ना, तो लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो माइनस का लगाता हूं मैं, ठीक है, तो माइनस का पी 300 गुणे, इसको भी किलो न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही 10 पे 3 बाहर कर दिया है, आ रही बात समझ में, सबके लिए बाहर कर दिया है, तो ये देखो इसका लेंथ कितना है, इसका भी लेंथ है 1000 है कि नहीं, 1000, इसका एरिया कितना है 2400, आ रही बात समझ में, 2400, आ रही बात समझ में, 2400 एरिया है, 2400 देखो 2400 mm स्क्वायर प्लस का P3 कितना है, देखो P3 आपका मतलब कि ये देखो थर्ड मेंबर पे 200 किलो न्यूटन, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10^3, तो 10^3 हमने कॉमन ले रखा है, इनटू का L3 का मतलब L3 देखो 600 mm डिवाइडेड बाई A3 का 1200 mm स्क्वायर, आ रही बात समझ में, देखो ये सारी वैल्यू हमने रख दी, ये माइनस का रहेगा या प्लस का रहेगा, सारी वैल्यूज रख दी। अब जो है हम डेल्टा एल इक्वल टू निकालेंगे और ये आएगा आपका 0.2778 mm, आ रही बात समझ में, ये आंसर आएगा आपका, आप सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आएगा, आप देख सकते हैं 0.2778 mm आएगा, ये आपको सॉल्व करेंगे, ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा, कितना 0.2778 का mm का इलोंगेशन होगा, अगर यही मान लीजिए कैलकुलेट करते अब माइनस आ जाता, तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता कि इसमें इलोंगेशन निगेटिव होगा, मतलब कि हमारा जो बार होगा, मान लीजिए यही निगेटिव आता, तो हम कहते निगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स दैट कि आपका जो बार होगा क्या होगा, शॉर्टेंडेड बाई इतना mm, 0.2778 mm, इतने से शॉर्टेंड होगा, कम होगा, ठीक है, निगेटिव साइन ये यही तो होगा, आ रही बात समझ में, तो निगेटिव साइन हटा के आप लिख सकते हैं शॉर्टेंडेड बाई इतना mm, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं इसको FBD बनाने के लिए, बाकी प्रोसीजर तो सेकेंड स्टेप तो वही रहेगा, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूं, देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको FBD दूसरा तरीका क्या है इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए क्या है हमारा आपका, यही तो है एक्सियल लोड डायग्राम, ALD बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं यहां पे सीधे सीधे एक लाइन खींचते हैं, देखिए, और यहां पे हम क्या करते हैं यहां से लेके यहां तक खींच लेते हैं, आ रही बात समझ में, इसको ना खींचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खींच लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्सेस नेगेटिव, यहां जीरो लिख दिया, आ रही बात सुनिए, तो सबसे पहले क्या है 50 है, 50 किलो न्यूटन पे आएंगे, सबसे पहले यहां से चलेंगे, कट कहां करेंगे, ये देखिए यहां कट करेंगे, देखिए मैं ब्लैक से कट कर रहा हूं, ऐसे
यहाँ यहाँ कट कर दिया, तो यहाँ से आएंगे देखेंगे पहले 50 किलोन्यूटन है, तो 50 किलोन्यूटन कहाँ जाएगा, ऊपर लगा रहेगा भाई, इधर वाले फोर्स हमने बोला है ना 50 किलोन्यूटन ऊपर पॉजिटिव लेना है, ठीक है, तो यहाँ हो गया 50 किलोन्यूटन, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड लग रहा है, कोई लोड यहाँ तक नहीं है। अब जैसे ही है यहाँ पे 50 किलोन्यूटन है भाई, है कि नहीं, ये आपका पॉजिटिव होगा। अब इधर की तरफ लग रहा है मतलब निगेटिव, तो 50 और 350 तो 300 होगा, तो 300 ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। आ रही बात समझ में, निगेटिव आएगा। कैसे 300 निगेटिव आएगा भाई, बताओ फटाफट 300 निगेटिव कैसे होगा, क्योंकि आप देखो 50 किलोन्यूटन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 50 का आपका इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या है माइनस का 350 है। आ रही बात समझ में, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 300 आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो माइनस का 300 मैंने लिख दिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस लेंथ तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आ रही बात समझिए, ये लेंथ 1000 मीटर तक कोई लग रहा है, 300 न्यूटन तक कोई नहीं लग रहा है, अभी यहीं तक रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दिया, मतलब कि दूसरी बार हमने कहाँ कट किया, यहाँ तक कट किया था दूसरे फोर्स से पहले। आ रही बात समझिए, जहाँ पर भी पहले पहली बार कट करेंगे तो यहाँ कट करेंगे दूसरे फोर्स से पहले, फिर नेक्स्ट चलेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स से पहले कट करेंगे। जैसे एसएफडी बीएमडी में आपका जहाँ पे भी लोड पड़ रहा था उससे पहले कट कर रहे थे, तो वैसे ही पहली बार चले तो इस लोड से पहले कट किया यहाँ, ठीक है, फिर जो है दूसरे लोड से पहले कट कर दिया यहाँ, फिर आप तीसरे लोड से पहले यहाँ कट कर देंगे, तो तीसरे लोड से पहले यहाँ कट होगा। आ रही बात समझ में, तो जब यहाँ कट होगा तो देखिए -300 ये आया है, -300 की डायरेक्शन किधर है, आपका -300 की डायरेक्शन इधर है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये 500 न्यूटन का हम फोर्स इधर की तरफ है, तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना, तो 500 न्यूटन का पॉजिटिव होगा, तो प्लस का 500, ठीक है, प्लस का 500, तो ये कितना आ जाएगा, 500 300 200 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, 500 300 200 पॉजिटिव आएगा, 200 पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, मतलब कि पॉजिटिव होगा मतलब ऊपर जाएगा। आ रही बात समझ में, तो 200 का ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे। आ रही बात समझ, यहाँ तक कोई लोड नहीं लग रहा है, तो मैं 200 का जो है और थोड़ा नीचे बना देता हूँ 200 का, ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा बन गया ALD, ठीक है, ALD बन गया। आ रही बात समझ में, तो अब हम यहाँ से कुछ सोचेंगे ही नहीं, डायरेक्ट FBD बनाएंगे यहाँ से, देख के सीधे पहला बार बनाया कितना है 50 न्यूटन, सीधे सीधे क्या है टेंसाइल होगा ना भाई, ऊपर है तो टेंसाइल 50 न्यूटन। दूसरा मेंबर बनाएंगे, दूसरा मेंबर फटाफट बनाएंगे, कैसे होगा, 300 है नीचे है, तो नीचे है मतलब निगेटिव 300। आ रही बात समझ में, ऐसे करेंगे 300 किलोन्यूटन, ठीक है, किलोन्यूटन, ठीक है। अब तीसरा बनाएंगे, तीसरा मेंबर यही तो है, तीसरा मेंबर, इस पर कितना बनाएंगे 200 किलोन्यूटन, भाई 200 यही तो है, ऊपर आया है भाई, जो ऊपर होगा वो क्या होगा, टेंसाइल होगा, तो टेंसाइल का मतलब ये 200 200। आ रही बात समझ में, 200 किलोन्यूटन भाई, ये देखो कितना आसानी से आ गया, जैसे डायग्राम देखा तुरंत बना दिया, ठीक है, आपका ये सीधे बना दिया। और इसको जो है हमने पहले, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बना रखा है, आप अगर उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप भी ऐसे ही और आसानी से, इससे भी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे बता रखा है जब हम ऐसे इधर की तरफ चलते हैं, इधर से चलते हैं, जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये फोर्सेज पॉजिटिव होते हैं, ये फोर्सेज निगेटिव लेते हैं, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। लेकिन वही हम इधर से चलेंगे तो हमारे साइन कन्वेंशन उल्टा हो सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन हम चलेंगे इधर ही से, याद इधर ही से करना है, ठीक है। तो जब हम 50 चलेंगे, पहली बार चलेंगे तो यहाँ कट करेंगे, तो देखेंगे 50 है, प्लस का प्लस खींच दिया, फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से, तो यहाँ तक फोर्सेज सारे फोर्सेज का सम 50, फिर ये माइनस का 350, क्योंकि ये इधर की डायरेक्शन में है, तो माइनस का 350, तो कितना आया 300, ठीक है, फिर हम आगे कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे ही आप करके न्यूमेरिकल जो है कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए हमारे, ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।